नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। इस चैनल में आप सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस देख पाएंगे। आज हम ये देखेंगे कि कोई भी स्टेयरकेस बनाने से पहले उसमें कितने स्टेप्स यानी कि कितने राइजर्स और ट्रेड्स आएंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉल की हाइट 6 मीटर दी गई है और हमें इस स्टेयरकेस की टोटल लेंथ नहीं मालूम, जिसका भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ हमारे स्टेयरकेस का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो 25 से 40 डिग्री के बीच रहना चाहिए, और अगर हम ये एंगल 25 से कम या फिर 40 से ज़्यादा रखते हैं तो ये इसके जो यूज़र्स है उसके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है। और क्योंकि हमने ये स्टेयरकेस की डिज़ाइन एक बार बना दी, उसके बाद हम चेंज नहीं करते, तो इसीलिए हमें यह जो एंगल है वो सोच समझ कर तय करना है। फिर इसके बाद स्टेयरकेस से रिलेटेड दो मेन टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो ये इस स्टेप्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस रहता है इसे हम राइजर बोलते हैं, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसे ट्रेड बोलते हैं। और हमारा राइजर जो रहता है वो 15 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर यानी कि 0.15 टू 0.17 मीटर, या फिर इंच में अगर हम बात करें तो 4 टू 7 इंच के बीच रहता है। और इसी तरह ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें 25 टू 27 सेंटीमीटर यानी कि 0.25 टू 0.27 मीटर, या फिर इंच में बात करें तो 10 टू 12 इंच के बीच रहता है। और अब हम नंबर ऑफ स्टेप्स का कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, और इसीलिए हम सबसे पहले राइजर और ट्रेड का डायमेंशन हमारे रिक्वायरमेंट के अनुसार फिक्स कर देंगे। तो हमने यहाँ पर राइजर 0.17 मीटर और ट्रेड 0.25 मीटर फिक्स किया है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए हम वॉल की टोटल हाइट जो कि 6 मीटर दी गई है इसे राइजर की हाइट से डिवाइड कर देंगे जो कि 0.17 मीटर है, और इस तरह से हमें नंबर ऑफ स्टेप्स 35 मिले। और यहाँ पे हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है आफ्टर एवरी 15 स्टेप्स, हर 15 स्टेप्स के बाद एक लैंडिंग आना चाहिए, जो कि यहाँ पे ड्यू टू 35 स्टेप्स हमें दो लैंडिंग मिलेंगे। फिर स्टेयरकेस की टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स को ट्रेड की लेंथ से मल्टीप्लाई करना है जो है 35 इंटू 0.25। तो इस तरह से हमें टोटल लेंथ ऑफ स्टेयरकेस मिल गई 8.75 मीटर, दैट इज 28 फीट 8 इंचेस। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।